नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोसाइटिस के बारे में ग्लोसाइटिस क्या होता है और इसके क्या कारण और लक्षण हो सकते हैं और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते जाएंगे और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं तो ग्लोसाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपकी जो जुबान होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका प्रदाह हो जाता है उसका प्रदाह हो जाने के साथ साथ उसके जो सूजन है वो भी बढ़ जाती है और उसके कलर में भी चेंजेस आते हैं बदलाव आते हैं जैसे कि आपकी टंग जो है आपकी ज़ुबान जो है उसका नॉर्मल कलर रहता है पिंकिश तो ये जो पिंक कलर है वो चेंज हो जाता है वाइट या फिर येलो बन जाता है साथ ही में आपके टंग का जो अपियरेंस होता है यानी कि आपके टंग पर जो टेस्ट पर्ट्स होते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाते हैं धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं और आपकी टंग जो है वो खुरदुरी बन जाती है और ये जो ग्लोसाइटिस है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ग्लोसाइटिस होने के बाद आपको तरह तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोसाइटिस है इसके आ, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं पहले हम रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं अब हम ग्लोसाइटिस के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं तो पहला कारण हो सकता है ग्लोसाइटिस का कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है यानी कि आपके शरीर में आयन की लोह की मात्रा कम हो चुकी है या फिर विटामिन बी जो होता है उसकी मात्रा कम हो चुकी हो चुकी होती है ज़्यादातर विटामिन बी की मात्रा आपके शरीर में कम है आप आयन युक्त या फिर विटामिन बी ट्वेल्व युक्त खाना जो है वो कम खा रहे हैं और उसके वजह से आपको डेफिशिएंसीज होती है तो उसकी वजह से आपको ग्लोसाइटिस यानी कि आपकी ज़ुबान का इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर आपको कुछ फूड या फिर मेडिकेशंस की एलर्जी है यानी कि कुछ दवाइयां है जो लेने के बाद आपको एलर्जीज़ होती है कुछ पदार्थ जो है वो खाने के बाद आपको एलर्जीज़ होती है तो उसका रिएक्शन होने के वजह से भी आपको ग्लोसाइटिस जो है वो हो सकता है ग्लोसाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है इसके वजह से अगर आपको वायरल बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके वजह से भी आपको ग्लोसाइटिस की तकलीफ़ें जो है वो होती है अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपके ज़ुबान को कुछ जख्म हो जाता है या फिर आपके दांत के नीचे आपकी ज़ुबान आ जाती है और उसके वजह से वहाँ पर जख्म हो जाता है तो वहाँ पर भी ग्लोसाइटिस होने के रीज़न्स जो है वो हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी कि तीखा खाना खाते हैं तो उसके वजह से भी आपके ज़ुबान का इरिटेशन होकर आपको ग्लोसाइटिस होने के चांसेस जो है वो बने रहते हैं अगर किसी व्यक्ति की टंग जो है ज़ुबान जो है वो जियोग्राफिक है यानी कि उसके टंग पर उसके ज़ुबान पर ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर नक्शे जैसा आकार जो है वो देखने को मिलता है तो उन लोगों में ग्लोसाइटिस यानी कि टंग का ज़ुबान का इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते है अगर किसी व्यक्ति में एसिड रिफ्लेक्स डिसीज की परेशानी है यानी कि एसिडिटी की परेशानी है तो वहां पर भी क्लोसाइटिस यानी कि जुबान का इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकता है अगर कोई व्यक्ति है उनमें सलाइवा जो है वो बहुत कम बनती है या फिर उनके मुंह में हमेशा उनको सूखापन महसूस होता है तो उस सूखापन होने के वजह से उनकी ज़ुबान जो है वो मॉइस्ट नहीं रह पाती है हेल्दी नहीं रह पाती है और उसके वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है और उधर बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है और उनको ग्लोसाइटिस की तकलीफ़ें जो है वो होती है तो ये थे सारे कॉजेस ग्लोसाइटिस के ग्लोसाइटिस इन कारणों के वजह से आपको हो सकता है अब ग्लोसाइटिस होने होने के बाद आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अब उसके बारे में में डिटेल हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ग्लोसाइटिस होने के बाद आपको कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण आपको देखने को मिलेगा वो है सूजन आपके ज़ुबान पर सूजन आपको दिखाई देगी और ही में दर्द जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है और आपके ज़ुबान का जो सरफेस रहता है जो टेक्सचर रहता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो टेस्ट पड़ रहते हैं जो आपको टेस्ट ले देने में मदद करते हैं तो वो टेस्ट बर्ड जो है वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं जिसको हम पेपिलापी बोलते हैं तो वो भी चले जाते हैं तो उसके वजह से टंग का जो शेप है साइज जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है आपकी ज़ुबान पर आपको बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस होती है साथ ही में बहुत सारे कलर भी आपके टंग सरफेस पर आपको देखने को मिलते हैं ज़ुबान के जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं वो वाइट या फिर येल्लो भी हो सकता है साथ ही में आप जब बात करते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं और खाना भी जो है वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से नहीं खा पाते हैं और जब आप निकलते हैं तो निगलते वक्त भी आपको दर्द या फिर दिक्कत जो है वो महसूस होती है तो ये जो सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको ग्लोसाइटिस होने के जो चांसेस है वो बने रहते हैं और अब अगर आपको ग्लोसाइटिस होता है आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसको आपको कौन से पोटेंसी में कितनी बार लेनी है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए तो आपकी ज़ुबान की इन्फ्लमेशन के लिए संक्रमण के लिए आप पहली होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है ऐपिस मेलिफिका ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके ज़ुबान का जो सरफेस होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है बहुत ज़्यादा रॉनेस महसूस होता है साथ ही में आपको जलन भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और आपके ज़ुबान की जो साइड होती है एजेस हम जिसे बोलते हैं वहाँ पर दाने दाने आ जाते हैं और आप आपके जुबान पर बहुत ज्यादा सूजन भी आपको महसूस होती है और उसके वजह से आपको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है और जब आपको ये ग्लोसाइटिस यानी कि आपके जुबान का संक्रमण आपको होता है तो आपको प्यास जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है या फिर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो उस वक्त अगर आपको प्यास लगती है तो आप एक टाइम पर थोड़ा ही पानी पी सकते हैं क्योंकि आपको निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है साथ ही में आपकी जुबान जो है वो बहुत ज्यादा ला रेड साथ ही में आपकी जुबान जो है वो बहुत ज़्यादा रेड लाल होती है और उधर सूजन भी बहुत ज़्यादा होती है और सूजन होने के वजह से आपको सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कतें महसूस होती हैं तो ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है बहुत ज़्यादा जलन आपको महसूस होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो मेडिसिन है एपिस मेलिफिका यह आप टू या फिर वन एम प्रोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर इसको आपको टू हंड्रेड सी में ही इस्तेमाल करना है दिन में दो बार इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं जैसे कि आपके टंग का इन्फ्लेमेशन होता है तो डायरेक्टली इसके दो बूंद आप आपके टंग पर नहीं ले सकते हैं इसको आप पानी में डायलूट करें आधे कप पानी में इसके दो या तीन बूंद डालकर डाइल्यूट कर कर वो पानी आप पी जाइए तो आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है कैंथेरिस ये जो कैंथेरिस मेडिसिन है ये भी आपको टू हंड्रेड वन एम या फिर थर्टी पंडेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे इस ये मेडिसिन जो है ये भी आपको डायलूट फॉर्म में लेनी है यानी कि इसके दो या तीन बूंद आपको आधे कप पानी में डालकर दिन में दो या तीन बार इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं इस मेडिसिन में क्या होता है कि आपके ज़ुबान का आपको इन्फ्लेमेशन होता है और आपके ज़ुबान पर या फिर मुंह में छाले आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे वेजिकल्स भी आ जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग यानी कि जलन आपके मुंह में महसूस होती है आपके ज़ुबान पर महसूस होती है साथ ही में कुछ पीने की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ जाती है आप कुछ भी पीना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने थोड़ा सा भी कुछ पी लिया तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपके जबान को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है साथ ही में आपके मुंह में ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा रहता है सूखापन ज़्यादा रहता है और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं जो ग्रंथियाँ होती है वो भी सूज जाती है और लाल हो जाती है आपके पेट में आपके गले में और आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बर्निंग जलन पेन रहता है तो ऐसे कंडीशन में ये कैंथरिस मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी बर्निंग पेन जलन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर कैंथरिस बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है बेलाडोना ये जो बेलाडोना मेडिसिन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द आपके मुंह में या फिर आपके ज़ुबान पर होता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर इंफ्लेशन के पूरे साइंस देखने को मिलते हैं जैसे कि लालिमा है सूजन है बर्निंग पेन है या फिर गर्मी है वहाँ पर तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं साथ ही में आपके ज़ुबान का जो टिप होता है वहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसे इराप्शन देखने को मिलते हैं और उन दानों को अगर आप टच करते हैं तो टिप को अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन युक्त पेन आपको महसूस होता है जैसे ही आप आपके मल त्यागने को या फिर यूरिन करने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सप्रेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपके आपको जो ग्लोसाइटिस या फिर टंग का इन्फ्लेमेशन जुबान का इन्फ्लेमेशन होता है या फिर आपके मुँह में जो भी इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग होती है तो उसके लिए बेलाडोना मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड ये जो मेडिसिन है ये भी आप टू हंड्रेड वन एम एफ थर्टी में डायल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे दो या तीन बार इस मेडिसिन का सेवन करेंगे ये जो मेडिसिन है ये आपके पीछे का जो टंग का भाग होता है पीछे की जो ज़ुबान का भाग होता है उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है और निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उस वक्त ये बेंजोइक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है साथ ही में आपके ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा अलसर्स हुए हैं वो अल्सर ठीक नहीं होते हैं मोस्टली आपके लेफ्ट साइड के जो मुँह होता है उसमें बहुत ज़्यादा अल्सर्स बनते हैं तो उस अल्सर को ठीक करने के लिए ये जो बेंजर कैसे मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने अभी बताई ये आप ग्लोसाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें